नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी पर राजा नहुष का राज था। वो बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी रानी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर, सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी। उनके राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहा करता था। रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी रूपवती में बहुत ही प्रेम था। वो दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ बिताती थी। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। उस दिन संतान सप्तमी थी। उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ औरतें स्नान करके माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से उनका पूजन कर रही हैं। तब उन दोनों ने उनसे उसके विषय में पूछा। उन औरतों ने कहा, हम सुख सौभाग्य और संतान देने वाला संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। इसमें हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर यह व्रत करने का संकल्प कर रही हैं। इस प्रकार उन स्त्रियों ने उनको व्रत की विधि के बारे में सब बताया। उन दोनों ने भी उस संतान देने वाले व्रत के बारे में जानकर व्रत करने का वहां संकल्प ले लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो दोनों ही अपने संकल्प लिए हुए उस व्रत को करना भूल गई और अपनी मृत्यु के बाद दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। और उस पशु योनि में दुख भोगने के बाद उन्हें फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हुई। इस जन्म में रानी चंद्रमुखी ने राजकुमारी ईश्वरी के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ के साथ हुआ। और उस ब्राह्मणी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां उसका नाम भूषणा रखा गया। बड़े होने के बाद उनका विवाह मथुरा के राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। अपने पूर्व जन्म की तरह ही इस जन्म में भी राजकुमारी और ब्राह्मणी का बहुत प्रेम था। पूर्व जन्म में संकल्प लिए हुए व्रत ना करने के कारण इस जन्म में रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। रानी ने एक मूक बहिर बालक को जन्म दिया, जिसकी अल्पायु होने के कारण मृत्यु हो गई। इस कारण रानी बहुत दुखी रहने लगी और सौभाग्यवश ब्राह्मणी भूषणा उस व्रत को याद रख सकी और इस जन्म में उस व्रत का उन्होंने पालन किया, जिसके फलस्वरूप उसको 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके सभी पुत्र स्वस्थ होने के साथ साथ बहुत रूपवान और गुणवान भी थे। जब ब्राह्मणी भूषणा को अपनी सखी रानी ईश्वरी के मूक बहिर पुत्र की मृत्यु का पता चला, तो वो रानी को सहानुभूति देने के लिए उससे मिलने पहुंच गई। पुत्र की मृत्यु के शोक के कारण रानी के हृदय में अपनी सहेली भूषणा के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। रानी ईश्वरी ने भूषणा के पुत्रों को मारने की इच्छा से उन्हें भोजन करने बुलवाया और भोजन में विष देकर मारने का प्रयास किया, किंतु उस व्रत के प्रभाव से भूषणा के पुत्रों को विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह देखकर रानी ईश्वरी क्रोध और ईर्ष्या के मारे जल उठी और उसने सेवकों को आदेश दिया कि वो भूषणा के पुत्रों को यमुना के गहरे पानी में फेंक दे। परंतु इस बार भी उस व्रत के प्रभाव से उन बालकों को कुछ नहीं हुआ और वे सुरक्षित रहे। इतना सब होने के बाद भी रानी ईश्वरी को सब्र नहीं हुआ और उसने भूषणा के पुत्रों को मारने के लिए जल्लादों को आदेश दे दिया। उसके सेवक उन्हें जल्लादों के पास ले गए, लेकिन वहां भगवान शिव और माता पार्वती ने उनकी रक्षा करी और उनकी कृपा से इस बार भी वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। जब रानी को भूषणा के पुत्र सुरक्षित रहने की बात का पता चला, तो उसे आभास हो गया कि यह कोई ना कोई ईश्वरीय चमत्कार है
और उसने भूषणा से अपनी भूल के लिए माफी मांगी और उसे सारी बात बता दी। रानी ने भूषणा को बताया कि उसने किस किस तरह उसके पुत्रों को मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसके पुत्र सुरक्षित रहे। रानी ने भूषणा से उसका कारण जानना चाहा, तब भूषणा ने रानी को पूर्व जन्म के उस व्रत की याद दिलाई और बताया कि वो दोनों पूर्व जन्म में भी सहेलियां थी और उन दोनों ने इस व्रत को करने का संकल्प लिया था, पर वो उसे करना भूल गई थी। लेकिन इस जन्म में उसने इस व्रत के संकल्प को पूर्ण किया और उस व्रत का पालन किया। यह सब भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद है और उसके व्रत का प्रभाव है, जिसके कारण ही उसके पुत्र हर विपत्ति से सुरक्षित हैं। भूषणा से यह सब कुछ जानकर रानी ईश्वरी को भी उस व्रत का स्मरण हो गया और रानी ने भी विधि विधान से उस व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को भी एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा के लिए संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। तो ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।